वाराणसी जनपद के मिर्जामुरा थाना क्षेत्र के खजूरीपुरी चौकी के पास शुक्रवार की सुबह प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर साइड में खड़ी ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर में लगभग एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूर तक लोगों ने आवाज सुनी। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बस से बाहर निकाला हुआ पुलिस की सहायता से ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। इस संबंध में थाना प्रभारी मिर्जा मुराद ने बताया कि खजूरी पुलिस चौकी के पास साइड में खड़ी ट्रक में रोडवेज की बस ने लगातार टक्कर मारी है, जिससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में बैठे लगभग एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर त्रिपुरारी यादव की ये रिपोर्ट।